और चलने से पहले बात करते हैं तमाम किस्म के संकटों की। कोरोना काल है यह अपने आप में सबसे बड़ा संकट है। आप दूरियां बना के रखें, जिसको सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है, ये बहुत आवश्यक है। लोगों से लोगों के बीच में शारीरिक दूरी बनाएं, यही एक सबसे बड़ा उपाय है कोरोना से बचने का। ये संकट काल है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। कुछ छूट सरकार ने दिए, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो हो सकता है फिर ऊपर वाला भी नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, क्योंकि कोरोना का फैलाव अभी रुका नहीं है, कोरोना से होने वाली मृत्यु अभी रुकी नहीं है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। एक बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उनके लिए भी ये संकट का समय है। संकट का समय इसलिए है कि वो और उनके कुछ मंत्री चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमला लगा हुआ है, लेकिन कोरोना पे जितना कंट्रोल होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया है। राजनीतिक दृष्टि से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए संकट का समय है, उनको अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, वो तत्काल विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन शायद दिल्ली से उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। खबर ये भी है कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री नहीं बनाया जाए। बीजेपी के कितने लोग होंगे, सिंधिया खेमे से आए हुए कांग्रेसी कितने होंगे जिनको मंत्री पद दिया जाएगा, इसको लेके उठापटक जारी है। मंत्रिमंडल बन जाता है उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए संकट खत्म नहीं होगा, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग होंगे जो संतुष्ट नहीं होंगे, और जब भी राजनीति में असंतोष होता है तो जो कहानी कमलनाथ जी की हुई थी वही कहानी शिवराज सिंह जी की भी हो सकती है। तो संकट शिवराज सिंह चौहान के लिए भी है, और संकट का समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। उनको अपनी पूरी कार्य पद्धति बदलना पड़ रही है, बीजेपी के हिसाब से खुद को ढालना पड़ रहा है, और बीजेपी से जुड़ के वो किस तरह राजनीति कर पाएंगे ये उनके लिए भी सोचने वाली बात है। उनके जितने समर्थक हैं, कहीं से हमारी बातचीत होती है, वो भी असमंजस में है कि बीजेपी उनको कितना आत्मसात करेगी, वो बीजेपी को कितना आत्मसात करेंगे, और कहीं कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सबसे पार पालें, हम ऐसी कामना करते हैं। संकट का समय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के लिए भी है, क्योंकि कमलनाथ बड़ी बड़ी बातें करने के आदी हैं। अगर उनका हम 14 महीने का कार्यकाल देखें तो सब कुछ निर्भिटर सन्नाटा था, वो उनको मीडिया बुरा लगता था, मीडिया के लोग उनको बीजेपी के लगते थे, मीडिया को लेकर हमेशा कमलनाथ क्वारंटाइन रहे, मिलते ही नहीं थे। मीडिया तो छोड़िए, वो अपने विधायकों तक से नहीं मिलते थे, और जब वो विधायकों से नहीं मिले, मीडिया से नहीं मिले, तो एक कोफ्त सबके मन में पैदा हुई। और आप देखिए कि कांग्रेस के विधायकों ने ही कमलनाथ को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, और जब कमलनाथ के साथ ये सब हुआ, उनकी सरकार के साथ हुआ, तो मीडिया ने भी पूरे मजे लिए। जो मजे कमलनाथ लेते थे वही मजे अब मीडिया ने दिए। तो कमलनाथ के लिए संकट का समय है, उन्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। वो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन अच्छे राजनेता हैं कि नहीं, ये 14 महीने में वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन अब साबित करना पड़ेगा कि आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिन सीटों पर चुनाव होना है वहाँ जिता के लाइए, आप बहुमत साबित कीजिए, जैसा आप दावा करते हैं, आपकी पार्टी दावा करती है कि 15 अगस्त को कमलनाथ झंडा फहराएंगे, तो वो झंडा फहराना जुबानी जमा खर्च में कमलनाथ जी कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। फिलहाल कांग्रेस का काम ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि उनको बहुत सीटें मिल पाएँ, ऐसा भी काम नज़र नहीं आ रहा है कि कमलनाथ कोई बहुत चमत्कारिक आदमी है, उनके नाम से चमत्कार हो जाए। अगर ये चमत्कार होना होता तो कमलनाथ अभी कुर्सी पर बने होते। ये समय कांग्रेस के लिए भी संकट का है। 15 साल के बाद जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब खुद के ही लोगों की नहीं सुनी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस दो फाड़ हो गई। तो कोरोना से उपजा संकट राजनीति में भी नजर आ रहा है। खूब जबानी जमा खर्च में, जिसे कहते हैं, बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसको बयानबाजी से कुछ होना जाना नहीं है। इस बयानबाजी से हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, और मुझे लगता है कि कोरोना के संकट से आप हम सब निपटेंगे, इससे पार पाएंगे, और हमको धीरे धीरे आदत डाल देना चाहिए। जैसे हमने अच्छी बुरी राजनीति को सहने की, इस राजनीति में रहने की आदत डाल ली है, ऐसी अब हमको कोरोना के साथ सर्वाइव करना है, अपना आत्मविश्वास बना के रखना है, अपनी भीतरी शक्ति को, भीतरी ताकत को बनाना है। और शिवराज जी काड़ा बटवा ही रहे हैं, आपके इर्द गिर्द तमाम यार दोस्त आपके हैं जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, अपना मनोबल बढ़ा के रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक,
झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।